कक्षा 7 विज्ञान में देखिए दूसरा चैप्टर चल रहा है, उसमें जो आज हम पढ़ेंगे ऊन के गुण और उसके उपयोग। देखिए इससे पहले जो एक साइड में ऊन के शुद्धता का प्रमाण चिन्ह ये बना है, इस टाइप का लगा होता है, ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ऊन का जो व्यापारीकरण अंतर्राष्ट्रीय ऊन संगठन यानी IWS द्वारा किया जाता है, या उत्तरी यॉर्क शायर यानी यूके इकले में स्थित है। बूल मार्क ऊन पर शुद्धता प्रमाण चिन्ह है। IWS द्वारा वस्त्रों पर प्रदत्त चिन्ह यह दर्शाता है कि इनके निर्माण में प्रयुक्त रेशे नए और शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। इस चिन्ह को किसी भी प्रक्रिया में निजी तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे देखिए ऊन के उपयोग गुण क्या है। ऊन जो है आग को शीघ्र नहीं पकड़ती है या धूल को भी रोकती है, या फैलाने या खींचने पर पुनः अपनी आकृति में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होती है अगर इसको खींच रहे हैं या इसको सिकोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर अपने वही आकृति में आ जाती है, या आसानी से रंगी भी जा सकती है, तो कलर भी किए जा सकते हैं भाई, या सर्दी में शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है तथा गर्मी में उष्मा को अंदर आने नहीं देती है, या शोर को भी रोकती है। समझा क्या मतलब, इसलिए हमको जाड़ा नहीं लगता है, जब बाहर की उष्मा जो ना अंदर आएगी ना अंदर के बाहर जाएगी तो जाड़ा ही नहीं लगेगा भाई। ऊन के उपयोग देखिए, ऊन का मुख्य उपयोग जो है स्वेटर, दस्ताने, जुराबे, गुलबंद और दूसरे वस्त्र बनाने में किया जाता है, जो कि सर्दी में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। कालीन व नमदा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नमदा का उपयोग पियानो यानी बाजा, जो पियानो होता है ना बाजा, उसको ढकने में किया जाता है। इसका उपयोग भारी मशीनों व स्टीरियो उपकरणों की तेज आवाज़ को दबाने में भी किया जाता है, या पतले वस्त्रों से बने कपड़े को ढकने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, और उपयोग हो चुकी ऊन से घटिया किस्म का माल बनाया जाता है, मतलब लो क्वालिटी का भी माल बनता है भाई, या बनाने के लिए अनुपयोगी ऊनी वस्त्रों रेशों को एकत्रित करके छोटे छोटे कुटों में काट कर इसकी धुनाई की जाती है। धुनी हुई ऊन से पुनः सूत में काटा जाता है। इस प्रकार का सूत निम्न कोटि का होता है तथा सस्ते ऊनी वस्त्र व कंबल बनाने में किया जाता है, या ऊन को पुनर्निर्माण की विधि की कही जाती है। समझा गया, यानी क्या गया, उससे जो मटेरियल बच गया है, उनसे जो बढ़िया क्वालिटी का माल जो तैयार हुआ है उससे भी जो बच गया उससे भी छटाई बुनाई काट करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर एक इसे सस्ता या कम टिकाव वाला कम रेट वाला जो उसका जो मूल्य होगा वो कम होगा, इस टाइप के भी कपड़े बनाए जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब इसके आगे जो है हम देखते हैं रेशम के बारे में पढ़ते हैं। काहे के बारे में, रेशम, रेशम भी एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक धागा है। ठीक, यह एक मजबूत और चमकदार रेशा है जो कि कोकून यानी रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। इस कीड़े को रेशम कीट कहते हैं। यह कीड़ा इसे द्रव को के द्रव के समान तत्व में बदल देता है। जब हवा के संपर्क में आता है तो रेशमी वस्त्रों का चिकना तल प्रकाश का परावर्तन करता है जो कि चमक के रूप में दिखता है। सिल्क यानी रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, यानी रेशम को क्या कहते हैं, वस्त्रों की रानी। रेशमी वस्त्रों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक सर्वोत्तम रेशम कीड़े के बच्चे द्वारा बनाया जाता है, जिसे बोम्बेकस मोरी कहते हैं। यह कीड़ा एक शुद्ध सफ़ेद रंग के रेशम का निर्माण करता है जो कि बहुत उत्तम और चमकदार होता है, और जिसे प्रायः मलबेरी सिल्क कहा जाता है। और ये मूंगा एक वनीय रेशम है जिसका असम और म्यांमार यानी बर्मा के कुछ भागों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मूंगा, ठीक है, एक वनीय रेशम है, वन में पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये असम और बर्मा यानी म्यांमार में मिलता है इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, देखिए रेशम का प्राचीन इतिहास क्या है। रेशम की खोज लगभग 3000 ईस्वी पूर्व सबसे पहले चीन में की गई और यही उसका विकास किया गया। रेशम की खोज का श्रेय सम्राट हुआंग डी की 14 वर्षीय बेटी सी लुंग ची को जाता है। समझा गया, रेशम की खोज का जो श्रेय है वो सम्राट
वांग डी की एक 14 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम था सी लुंग ची को जाता है। रेशमी कोकून था रेशम की गड़ारी की खोज के बाद चीन ने सफलतापूर्वक उत्पादित रेशम को 300 ईस्वी तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा। प्राचीन भारत व जापान भी अब इस क्षेत्र में आ गए थे। रोम के सम्राट भी इसके बारे में जानते थे, अतः उन्होंने रेशम का व्यापार करना शुरू कर दिया। 550 ईस्वी के आसपास रेशम बनाने की पोशीदगी बेजेंटाइन सम्राट तक पहुँचे। सम्राट के लिए कार्य करने वाले विद्वान पुरोहित अपनी जान पर खेलकर रेशम कीटों के अंडे लेकर आए। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास इटली पश्चिम का रेशम का केंद्र बन चुका था। 17वीं शताब्दी में फ्रांस इटली की प्रमुखता को चुनौती दे रहा था और रेशम बनाने की मशीनें अपने यहाँ स्थापित कर रहा था। यह स्थान आज के समय बहुत विख्यात है। यद्यपि रेशम का कीट ब्रिटिश मानसून में नहीं रह सकता और ना ही अमेरिका के राज्यों में, ठीक है। तो ये रेशम का प्राचीन इतिहास था। अब इसी के आगे जो है रेशम कीट का पालन कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है, उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में जो होगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।